आज बहुत ही सुंदर सा एक लड्डू गोपाल का चोली बनाना सीखेंगे। इस चोली को बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर्स लोग भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। सिर्फ उल्टी सिलाई से इसे बनाना है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ डाली भी नहीं हूँ, दो कलर का ऊल ली हूँ, एक ऑफ वाइट है और एक सेट का ऊल है, और चिटचैट बटन लगाऊंगी और एक पम्पम लगाई हूँ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देखिए है ना कितना सुंदर चोली बनकर तैयार हुआ है, और गला भी बहुत ही सुंदर से सेट हुआ है। बहुत सुंदर ड्रेस बना है, बहुत आसान है इसे बनाना। मैं यहाँ पर दो कलर का ऊल से बनाई हूँ, आप चाहे तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, और सिलाई ली हूँ मैं 9 नंबर का। मैं अब सिलाई में घर डालूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सिलाई में मैं 60 फंदे डालूंगी। दो चार छः आठ 10 12 14 16 18 20 22 23 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 56 57 58 59 60। फ्रेंड्स अच्छी तरह से वॉच करें। सिलाई का पहला घेर मैं हमेशा ही उतार लेती हूँ, सीधी तरह से उतारी फिर सामने में ऊल लाई, उसके बाद मैं उल्टा बुनूँगी। इस तरह से मैं पूरे रो को मैं उल्टा बुन लूँगी। देखिए हम लोग सिलाई के अंत में आ गए हैं। इस तरफ भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी, पहला उतार लूँगी सीधा, सामने में ऊल करूँगी, उसके बाद मैं उल्टा बुनूँगी। इस तरह से मैं 4 सिलाई उल्टा उल्टा बुनूँगी, फिर आप लोगों को दिखलाऊंगी। फिर फ्रेंड्स आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए अब चौथा सिलाई भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऑफ व्हाइट को ज्वाइन करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। और इस बार मैं एक फंदा नहीं, दो फंदे को मैं एक साथ बुनूंगी। पूरे सिलाई में मैं दो दो फंदे को एक साथ बुनूंगी, मतलब 60 फंदे हैं उसको मैं 30 करूंगी। देखिए अब इस सिलाई में 30 फंदे हैं। दो चार छः 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30 फंदे हैं। अब मैं ऑफ व्हाइट से 10 सिलाई बुनूंगी, दोनों तरफ 5 सिलाई 5 सिलाई करके। देखिए
अब इस 30 फंदे से मुझे स्लीव्स बनाना है, फ्रंट निकालना है और बैक भी रखना है। तो फ्रंट में बनाऊंगी 6 फंदे और मैं घटाऊंगी 5 फंदा स्लीव्स के लिए। देखिए मैं अभी घटा रही हूँ, इस तरह से 5 फंदे मैं घटाऊंगी। छः छः फंदे मैं फ्रंट में रखूँगी, मतलब 6 6 12 हो गया, और 5 5 फंदे करके मैं स्लीव्स निकालूँगी, तो 5 5 10, मतलब 10 और 12 22, और बैक में रहेगा 8, मतलब बैक में मैं 8 फंदे बुनूँगी। देखिए अब स्लीव्स कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं 8 फंदा बैक बुन रही हूँ। देखिए 2 4 6 8, अब मैं फिर से 5 स्लीव्स घटाऊंगी, 5 फंदा, और 6 मैं बनाऊंगी फ्रंट का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को, उन लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। देखिए अब हम लोगों के पास सिलाई में 20 फंदे हैं। अब 20 फंदे को पूरा एक साथ मैं उल्टा बुनूंगी, सभी फंदे को एक साथ। देखिए स्लीव्स कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इस तरह से 4 रो कंप्लीट करूँगी। देखिए कितना सुंदर होल बना है। देखिए 4 रो कंप्लीट हो चुका है, स्लीव्स भी कितना बढ़िया बना है। यहाँ पर मैं गले के पास शेडेड उल को जॉइन करूंगी और 2 सिलाई बुनूंगी, उसके बाद बताऊंगी आगे क्या करना है। देखिए मैं बता रही थी ना कि पहला फंदा उतारने से इस तरह से बिल्कुल एक चेन सा बनता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, और अगर दोनों साइड को सिलना भी है तो बहुत अच्छे से सिलाई होता है। अब मैं सभी फंदे को बंद कर दूंगी, जैसे मैं स्लीव्स में 2 का 1 बना रही थी उसी तरह यहाँ पर 2 का 1 करते हुए स्लीव सारे घर को बंद कर देना है। सारे फंदे बंद हो जाने के बाद उल को वहाँ से कट कर दूंगी। देखिए लड्डू गोपाल का चोली बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है।
साइड में जो ऊन निकला हुआ दिख रहा है उन ऊन को मैं बढ़िया से गांठ लगाकर कट कर दूंगी, ताकि खुले नहीं। बैक में मैं दो चिटचिट बटन लगाई हूँ और फ्रंट में एक पॉम्पम लगा दी हूँ। इससे ही देखिए चोली कितना खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल उभर कर आया है। देखिए पहनाने के बाद बिल्कुल इस तरह से लग रहे हैं मेरे नंदू गोपाल। आप लोग चाहें तो पॉम्पम के जगह पर कोई मोती या फिर कोई सुंदर सा बटन फ्लावर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।